यार लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर टोटल इसके 16 है जो प्रूफ करने वाले, उसके बाद तरह तरह किस्म के सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस 2 थीटा, ठीक है। 7 में लिखा है कि आपको प्रूफ करना है कॉस 2 थीटा बराबर है स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा +1। कोशिश करना जो मैं सवाल लेता हूँ उसको अपने बुक से वेरीफाई भी कर लेना, कभी मिस्टेक भी हो सकती है, तो जो भी सवाल मैं लिखूं कंफर्म कर लेना सही लिखा है नहीं लिखा। अच्छा जी, सॉल्व किस तरीके से करना है? अगेन बच्चों, कल भी मैंने बात बताई थी, आपने देखना है कि किस साइड को आप ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड को भी कर सकते हो कि कॉस को आप कन्वर्ट, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला है, कर सकते हो उस तरह, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा वो किसी तरह। मतलब इस पे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तब चलो ये चीज आएगी, लेकिन इस पे तो मैं स्ट्रेट अवे मुझे नजर आ रहा है कि मैंने कॉट को ब्रेक करना है कॉस अपॉन साइन में, तो इस पे तो मुझे नजर आ रहा है कि मैं आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने में थोड़ा मसला होगा, किस पूरी चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई मेरे लिए फायदेमंद क्या है कि मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पिक करूँ, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। अगेन प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि आपने इस तरीके से सबसे पहले राइट हैंड साइड कॉपी करनी है, उसके बाद आपने सवाल को सॉल्व करना है। तो अगेन पहला सवाल मैं आप लोगों को प्रॉपर सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी मैं आप लोगों को प्रूफ करके बता दूंगा। अच्छा जी, कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, मतलब कॉट होता था कॉस अपॉन साइन, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, -1 मौजूद है। इसी तरह डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। इसको सॉल्व करना उसी बच्चे को मतलब आ सकेगा जिसको ये काम करना आता है। बिलफर्ज अगर आपके पास आ जाए 2/3 -1 होता है, जिस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह हम इसको करेंगे। यहाँ पे आप क्या करते थे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, दरमियान में माइनस आता था, यहाँ पे 2 आता था और आपका एलसीएम क्या था? 3, ये सब सॉल्व करते थे। अगर ये चीज समझ आ जाती है तो ये भी आसानी से कर सकते हो। कैसे? साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, हो जाएगा साइन स्क्वायर, दरमियान में आएगा माइनस, फिर आएगा डिवाइडेड बाय एलसीएम, यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर। ये न्यूमिनेटर में आपने सिंप्लीफिकेशन कर दी, डिनोमिनेटर में अगेन वही साइन स्क्वायर को 1 से करोगे, ऐड करोगे कॉस स्क्वायर के अंदर, उसके बाद साइन स्क्वायर से बच्चों साइन स्क्वायर कैंसिल, तो अब आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 के बराबर होता है, आप लोगों ने पहले भी देखा था, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये आगे मेंशन कर दो, आप इस तरह लिख देना कि सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करो मेंशन कर दो, अच्छी चीज होती है। तो ये तो 1 हो गया। सवाल ये कि न्यूमरेटर क्या है? ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये डबल एंगल फॉर्मूला होता था कॉस का। मैंने डबल एंगल फॉर्मूले कल आप लोगों को लिखवाए थे, 3 थे कॉस के, उसमें से पहला वाला कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला ये था, तो ये पूरी चीज इसके बराबर है कॉस 2 थीटा के। और अगर आप देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। इस तरीके से आपका सवाल प्रूव होगा। एज इट इज अगर पेपर में सवाल आएगा यही प्रेजेंटेशन होगी, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे। कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बड़ा इजी है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर -2 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, और फिर आखिरी टर्म होगी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर -2 AB प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करना। पहली टर्म ए स्क्वायर वाली क्या है? कॉस स्क्वायर होगी इसके अंदर, और बी स्क्वायर वाली क्या होगी? साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 के बराबर होता है, तो वो 1 आ जाएगा। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखो आपको 1 मिला हुआ है, ये आप लोग ट्राई करना समझ आ जाएगा। तो 1 आपको देखो राइट हैंड साइड पे वो नजर आ रहा है, और ये माइनस साइन थीटा कहाँ से आएगा? इस चीज को याद रख लो कि 2 sin θ/2 θ/2 ये बराबर होता है साइन थीटा के। अब ये क्या नई चीज मैंने बता दी है? साइन थीटा का आपने कभी जिंदगी में फॉर्मूला देखा नहीं है, ये फॉर्मूला देखा हुआ है आपने, अगर आप लोगों को याद हो आपने कल डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, ये कि sin 2 θ बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम डबल क्यों बोलते हैं बाय द वे? डबल इसलिए बोलते हैं कि जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या मौजूद है? 2 थीटा।
अब एज्यूम कर लो कि अगर मैं यहां पे थीटा की जगह थीटा अपॉन टू कर, अब यहां पे एंगल क्या मौजूद है, अब यहां पे एंगल मौजूद है थीटा अपॉन टू, तो थीटा अपॉन टू का डबल क्या होगा, थीटा होगा। अब यहां पे क्या होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट है कि जो यहां पे एंगल है उसका डबल यहां पे होना चाहिए। थीटा अपॉन टू का डबल करो मतलब टू से मल्टीप्लाई करो थीटा है, दैट्स व्हाई मैंने ऊपर फॉर्मा लिखवा दिया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये चीज जो आ रही होगी ना, इस पूरी चीज की जगह आपने साइन लिख देना, तो आपकी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवा देता हूँ। अच्छा मेरी बुक में, आई एम श्योर आप लोगों की बुक में भी लिखा होगा, इस मिडल टर्म को उन्होंने लिखा हुआ है 8 cos θ² मतलब जो स्क्वायर है ना वो थीटा के बाद उन्होंने लगाया है, ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। थीटा के बाद स्क्वायर नहीं है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा जो नॉर्मली आप लिख रहे होते हो। अब देखो cos 4θ को आप कन्वर्ट कर सकते हो इस पूरी साइड में जो इन्होंने मौजूद लिखी हुई है पूरी, आप इसमें आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। किस तरीके से, ये सवाल काफी मशहूर है, cos 4θ आ जाएगा, sin 4θ आ जाएगा, इसी तरह cos 3θ, sin 3θ, cos 2θ, sin 2θ, इस टाइप के सवाल काफी आते हैं। सॉल्व करने की टेक्निक आप देख लो, पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पिक करनी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड cos 4θ पिक कर लिया। इन सवालों को करने के दो तरीके होते हैं कि अगर आपके पास 4θ आ रहा है तो आप इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, या तो आप इसको लिख सकते हो cos 2θ + 2θ, अभी भी ये 4 है, और इस पे फॉर्मा लगाओगे cos α + β का, और बाद में क्या करोगे मैं बताता हूँ। और दूसरी टेक्निक ये है जो हम करेंगे कि आप 4θ को इस तरह ब्रेक कर दो cos 2 × 2θ, दोनों एक ही बात है। इस पे क्या करेंगे, इस पे हम डबल एंगल फॉर्मा लगाएंगे। दोनों काम करने के बाद, जैसे इस पे हम cos α + β और इस पे डबल एंगल फॉर्मा लगाने के बाद हमारी क्या कोशिश होगी, हमारी कोशिश ये होगी कि अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखो तो राइट हैंड साइड पूरी cos की फॉर्म में, राइट हैंड साइड में आपको cos के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही, साइन आपको नजर नहीं आ रहा, कोई और फंक्शन नजर नहीं आ रहा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि यहाँ पे फॉर्मूला और यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी टर्म अदर देन cos है उसको कन्वर्ट कर देना cos की फॉर्म में। जैसे जब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना cos α + β का, तो cos α + β का फॉर्मूला होता है cos α cos β माइनस sin α sin β। तो जो यहाँ पे आ रही होगी ना टर्म sin 2θ sin 2θ, पहली बात आप इसको स्क्वायर कर देना sin²2θ, उसके बाद sin 2θ पे आपने फॉर्मूला लगाना है इसका डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला क्या था, 2 sin θ cos θ, ये सिर्फ था sin 2θ का, जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा sin², ये हो जाएगा cos², तो sin²θ का स्क्वायर का आंसर ये आएगा। आप क्या करना, sin² को कन्वर्ट कर देना cos की फॉर्म में। कैसे, sin² का क्या होता है, 1 - cos². दैट्स व्हाई मैं ये मेथड करवा नहीं रहा, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे सॉल्व करोगे तो जहां पे भी आपके पास sin² आएगा आपने कन्वर्ट करना है cos², क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड में जस्ट cos है, साइन है ही नहीं, तो साइन लाके क्या करोगे, असल तो मकसद राइट हैंड साइड प्रूव करना है ना। मैं आप लोगों को ये वाला मेथड करवा रहा हूँ जो मुझे इजी लगता है। इसकी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल फॉर्मूला है, cos 2θ के आप लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे मैं कौन सा करवा रहा हूँ, ये वाला। मैंने उस वक्त भी बताया था अपने मतलब के हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करोगे। अब मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो डबल एंगल फॉर्मूला है ये जस्ट cos की फॉर्म में, और मुझे आंसर में cos ही चाहिए, तो मैंने वो डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया है जो सिर्फ cos की फॉर्म में था, वरना cos के 3 फॉर्मूले जिसमें 2 जो हैं वो cos sin की फॉर्म में, 1 sin की फॉर्म में, जो उसमें से cos वाले ने वो मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो यहाँ पे थीटा था ना, तो यहाँ पे 2θ मौजूद होता था, अब यहाँ पे देखो 4θ है बेसिकली जिसको मैंने ब्रेक किया हुआ है। इसको दो तरीके से समझ सकते हो, इस फॉर्म में जैसे मैंने ब्रेक किया हुआ है, इसको समझने का तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ पे आप इस तरह ब्रैकेट डाल दो ना कि 2 बाहर है और अंदर क्या है थीटा, जो ब्रैकेट के अंदर है वो यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा आ रहा है, सही है। इसी पैटर्न पे अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई है, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, अब ब्रैकेट के अंदर 2θ है, तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2θ, ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर लेके चलोगे समझ आ जाएगी बात, कि आपने 2 को साइड पे किया, ब्रैकेट में थीटा है वो यहाँ पे भी आ जाया करता था, इसी तरह यहाँ पे 2 को साइड किया अब ब्रैकेट में है 2θ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2θ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप देखो तो ये जस्ट स्क्वायर को छोड़ दो, स्क्वायर को इग्नोर करो, पीछे क्या लिखा हुआ है cos 2θ, cos 2θ पे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो ना, स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये वाला स्क्वायर मैंने इस तरह होल बना दिया,
ये जो कॉस टू थीटा बच रहा है, इस कॉस टू थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 cos² θ-1, और मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ये -1 जो है अपनी जगह पे। इनको देख लो कोई सवाल है यहां तक पूछ लो। करने के बाद आप सिंपल a-b² का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले a² इस पूरी चीज का जब आप स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करोगे cos 4 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला कहता है -2ab, ए यहाँ पे 2 cos² है, बी यहाँ पे 1 है, तो 2 cos² को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos² आएगा, और 2 cos² को जब फॉर्मूले वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 cos² हो जाएगा। फॉर्मूला कहते हैं ना -2ab, मतलब ए बी को आपने -2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला कहता है b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब फाइनलाइज आपका आंसर आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 8 cos 4 थीटा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 8 cos² थीटा, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, और उसको -1 करोगे तो दोबारा 1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके पास आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो प्रूव होगी राइट हैंड साइड के बराबर। कोई मसला कोई इश्यू है तो पूछ लो। ये बड़े अच्छे सवाल है, इन सवालों को मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सवाल है जिनको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसको या तो कैलकुलेटर से आप प्रूफ कर रहे हो या जिसको वैसे आप प्रूफ कर सकते हो। मैंने आप लोग को बताया था ना शॉर्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आएगा, आपके पास शॉर्ट में 3 किस्म के सेक्शन है ना, तो किसी एक सेक्शन में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 2 सेक्शन में से 3 3 अटेम्प्ट करने हैं, तब पूरी 10 की गिनती होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन नॉर्मली इजी होता है, तो अगर आप, क्योंकि बाकी पोर्शन डिफिकल्ट है, एक पोर्शन है चैप्टर नंबर 1 2, मैं जहन से निकल गया, चैप्टर 1 2 3 है और आई गेस चैप्टर नंबर 8 है, ये 4 चैप्टर है 1 2 3 8। तो देखो 8 थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, ग्राफिंग का है डिपेंड करता है, इजी भी लग सकता है। चैप्टर नंबर 2 भी मुश्किल लग सकता है, उसमें कभी सवाल थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। चैप्टर 1 का सवाल हो सकता है, कहने का मतलब इस वाले सेक्शन में से आपको 4 अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको थोड़े 3 आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है, जो चैप्टर नंबर 4 5 6 7 है, वो काफी डिफिकल्ट चैप्टर है, वो उसमें से भी आपकी कोशिश होगी बस 3 ही अटेम्प्ट कर लूं मैं। जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो काइंड ऑफ इजी पोर्शन होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आसानी से आप 4 अटेम्प्ट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप प्रैक्टिस सही तरीके से कर लो, और इसका एक फायदा ये भी है कि ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है एज फार एज फ्यूचर क्लासेज इज कंसर्न, सेकेंड ईयर में जाओ यूनिवर्सिटी में जाओ तो ट्रिग्नोमेट्री पे अपनी गिरफ्त रख लो। ये वो सेक्शन है जो बच्चों की गिरफ्त नहीं होती इसके ऊपर, वो किसी तरह पास करके निकल जाते हैं लेकिन उनको सही तरह ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है। तो प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री सीख लो, फर्स्ट ईयर में फायदा ही फायदा, इंशाल्लाह आगे भी फायदा हो जाएगा। सही, तो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री से आप 4 अटेम्प्ट करो तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी डिपेंड करता है, अगर आपको किसी और सेक्शन से 4 अच्छे लग रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब 10 पे आ जाते हैं। 10 तो खैर बड़ा इजी है, लेकिन अब ये बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ दोबारा, नहीं चलो यार कर लो क्योंकि अभी आपने, मैंने फॉर्मूला बता दिया था जो उधर लिखा हुआ था। 10 में आप एक काम करना, राइट हैंड साइड को पिक करना, राइट हैंड साइड में कोसाइक अल्फा जो है ना इसको ब्रेक करना 1/sin अल्फा में, और कॉट अल्फा को ब्रेक करना cos/sin में। एलसीएम लेना, एलसीएम साइन आ रहा होगा तो आपके पास फ्रैक्शन आएगी 1 - cos/sin। 1 - cos पे वही हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है जो मैंने कल की क्लास में लगवाया था आप लोगों को। 1 - cos अल्फा में मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया था 2 sin² अल्फा/2, जाके देख लेना कि 1 - cos पे मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था। और जो डिनोमिनेटर में साइन आ रहा होगा, साइन पे एग्जैक्ट आपने ये फॉर्मूला लगाना है कि साइन अल्फा किसके बराबर होता है 2 sin α/2 cos α/2, जो मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखा था। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाना, एट द एंड खुद ही आपका sin/cos आ जाएगा जो कि टेंजेंट के बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो ट्राई करना, मसला हो तो पूछ लेना। अच्छा जी, 11 पे आते हैं। 11 का मुझे पता नहीं है किस तरह करना है इसको, तो जरा देख लेते हैं। 2 tan α/1 + tan²α, नहीं हो सकता है ये, 1 + tan² आ गया ना, तो आप तो लग सकती है इसमें प्रॉपर्टी। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले आपने यहाँ पे पिक करनी है, राइट हैंड साइड पिक करता हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड मुझे लग रही है कि मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। राइट हैंड साइड सबसे पहले चलो पिक कर लेते हैं 1 + tan²। 2 काम आपने एक साथ करने हैं, सबसे पहले जो टेंजेंट अल्फा है ना इसको आप ब्रेक कर सकते हो ना, चलो नेक्स्ट सेम में करते हैं ब्रेक इसको।
पहले आप ये देख लो, 1 + tan² है ये। कल मैंने आप लोगों को फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 बताई थी, उसमें से दूसरी वाली है कि 1 + tan² α इज इक्वल टू sec²α। तो उस पूरे डिनोमिनेटर की जगह मैं लिख देता हूँ sec²α, सही है। अच्छा, अब आप जो न्यूमिरेटर है ना, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो। टेंजेंट अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये न्यूमिरेटर था। ये sec²α है, मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 tan α मल्टीप्लाई 1 upon sec²α, एक ही बात है। डिनोमिनेटर को मैं थोड़ा अलग करके लिख देता हूँ, बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, एक ही बात बनेगी। ये जो 1 upon sec² है ये किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर के। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? कॉस स्क्वायर। तो कहाँ से आया? ये जो 1 upon sec² था इसकी जगह मैंने लिखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कैंसिल, पीछे बचा 2 sin α कॉस अल्फा, और ये आप लोगों को पता डबल एंगल फॉर्मूला होता है sin²α का, जो कि आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला मेंशन कर देना आप लोग इस तरह, बार बार मैंने बताया है, अच्छी बात होती है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखने में लग रहा है मुश्किल, लेकिन है बड़ा इजी है। sin²θ पे लगाओगे 2 sin θ cos θ, जब आप न्यूमिनेटर से साइन कॉमन लोगे तो 1 + 2 cos θ आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर पे क्या करेंगे? cos²θ पे हम लगाएंगे 2 cos²θ - 1, 1 से 1 कैंसिल, cos कॉमन लेना, sin upon cos tangent आ जाएगा। ये जो मैंने बात बोली ना, यही काम करना आपने, कि sin²θ पे आपने लगाना है 2 sin θ cos θ क्वेश्चन नंबर 12 में। उसके बाद न्यूमिनेटर में देखना साइन कॉमन आ रहा होगा, साइन को कॉमन ले लेना। डिनोमिनेटर में cos²θ की जगह लगाना 2 cos²-1, तो -1 से 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर में cos कॉमन आ रहा होगा, cos कॉमन ले लेना। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर देखना कैंसिल हो रहा होगा, सिंपल sin upon cos बचेगा जो टेंजेंट के बराबर होता है। तो ट्राई करना, इंशाल्लाह हो जाएगा। 13 पे आ जाओ। अब देखो, सवाल में आप राइट हैंड साइड पिक नहीं कर लेना, राइट हैंड साइड जब सॉल्व करने लगोगे ना बहुत ख्वारी हो जाएगी। टेंजेंट की जगह पता नहीं क्या क्या आप अप्लाई करोगे, बहुत लंबी लंबी फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो नॉर्मली अपने जहन में रखो, जब भी ये sin²θ cos²θ tan²θ, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, इसको पिक करो, क्योंकि इसमें हम वो काम कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया था। तो tan²θ है ना, तो हम इसको पिक करते हैं, इसको हम आसानी से ना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो पिक करो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है tan²θ। मैंने बताया इसको ब्रेक किस तरह कर सकते हो, tan²² × 2θ। अगेन इसको ब्रेक कर सकते हो आप 2θ + 2θ में, और tan α + β का फॉर्मूला लगा दो, सेम ही आपके पास स्टेप बनेंगे जो यहाँ पे बन रहे हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब इस पे आप लगाओगे टेंजेंट का डबल एंगल फॉर्मूला। अब टेंजेंट का डबल एंगल फॉर्मूला क्या था? टेंजेंट का डबल एंगल फॉर्मूला ये था, ठीक है। अब अगेन कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है? 2 को जरा साइड पे रखते हैं, यहां पे क्या मौजूद है? थीटा। तो यहां पे थीटा था, इधर भी थीटा आ गया, इधर भी थीटा आ गया, बिलफर्ज। मैं कहता हूं कि यार यहां पे मुझे थीटा की जगह पे 2θ लाना है, इस थीटा की जगह पे मैंने 2θ कर दिया, बिल्कुल। तो जो यहां पे आपने काम किया वहां पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2θ, और यहाँ पे नीचे भी क्या हो जाएगा 1 - tan²² 2θ। एग्री करते हैं सब? तो जो यहाँ काम आपने किया है ना, एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दो। tan²² × 2θ को आपने इस तरीके से किया ना, तो सेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 tan²θ डिवाइडेड बाय 1 - tan²² 2θ। ये करने के बाद अब आप दोबारा डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ऊपर भी आपको tan²θ नजर आ रहा है, नीचे भी tan²θ नजर आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हो आप। अगर अप्लाई करते हैं 2 tan²θ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है? 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 - tan²θ। तो ये आपने tan²θ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में है 1 - tan²θ का आपने स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले tan²θ में लिखता हूँ, वही 2 tan θ upon 1 - tan²θ, और उसके बाद आपने क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। ऊपर तो ये 4 हो जाएगा ना, तो इसको आप लिख सकते हो 4 tan θ, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 - tan²θ। अच्छा, ये भी एक खूबसूरती होती है जो आमतौर पर लोग ना कंसीडर नहीं करते, बच्चे हैं उनको पता नहीं है, वो जब इस टाइप की ऊपर नीचे फ्रैक्शंस होती है ना, तो
या तो इनको डील करने का एक और तरीका होता है कि आप इस पूरी चीज को इसके साथ लिखो और डिवाइड का निशान बना के जो भी कर लो, या अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आमतौर पर बच्चे ना इक्वल यहाँ पे लिखते हैं। ज्यादातर गलती मैंने देखी यही, मैं पेपर में ना गलतियां नोट करता हूँ बच्चों के। तो खूबसूरती ये होती है कि इक्वल लगता है फ्रैक्शन के दरमियान में, कि अगर आपकी फ्रैक्शन है टू तो इक्वल आप यहाँ पे लगाते हो, ये तरीका होता है। अब मुझसे नहीं बोला कि नंबर काटेगा, नंबर नहीं काटेगा कोई इसके ऊपर, लेकिन तरीका जो है ना उसको जरा फॉलो करो। मैथ इस तरह होती है तो अच्छी लगती है पूरी। वो अभी इक्वल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अजीब सी चीज लगेगी ना, इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1/2 है, क्या है। तो इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखा करना कि जो बड़ी डिवीजन लगाई हुई है ना आपने, बिल्कुल उसकी सीध में आपने इक्वल लिखना। अच्छा अब क्या करो, नीचे भी ये काम करो, 1 को अपनी जगह पे रहने दो, ठीक है। 2 टाइम, अब ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर के ऊपर भी है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। तो जो स्क्वायर न्यूमरेटर के ऊपर है जरा ओपन करो, 2 का स्क्वायर होता है 4 और टेंजेंट का स्क्वायर होगा टेंजेंट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पे आप अगेन स्क्वायर लगा दो। ओपन नहीं कर रहा मैं स्क्वायर को, लेकिन जस्ट लगा रहा हूं मैं अभी। तो डिनोमिनेटर 1 - tan² है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और न्यूमिनेटर पे मैंने स्क्वायर को ओपन कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 tan² का स्क्वायर tan² स्क्वायर। पेपर में आपने नीचे नीचे ही करना है, मैं सामने करूंगी मेरे पास जगह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर ये डायरेक्ट बच्चे यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, गलत बात, कैंसिल नहीं आप कर सकते। जब तक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक फ्रैक्शन हो तब आप कैंसिल कर सकते हो, अभी आपके पास 2 आ रही हैं, तो पहले आप इनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद आप कैंसिलेशन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो जरा एलसीएम लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में जो है ना इसको सिंप्लीफाई करना आपको उस वक्त आएगा जब आपको ये चीज आती हो। मैथ आपकी स्टार्ट होती है सिंपल केस से, बचपन में आपने ये चीज नहीं पढ़ी थी, बचपन में ये पढ़ी थी। अगर ये नहीं आता होगा तो ये डायरेक्ट सीखना बेवकूफी है। तो पहले ये जरा क्लियर करते हैं आता है नहीं आता। कैसे करते हैं इसको, 2 को करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में आता है माइनस, फिर आता है 1 और एलसीएम आपका क्या 2। इस तरीके से आप सॉल्व करते हो, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ, इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करो 1 से, दरमियान में आएगा माइनस, फिर लिखोगे 4 tan² डिवाइडेड बाय ये आपका एलसीएम है। तो न्यूमिनेटर फिलहाल ऐसी कॉपी कर दो। डिनोमिनेटर में इस पूरी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो पहले। मैं भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, जस्ट मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज आ गया, दरमियान में माइनस, फिर आएगा 4 tan² 4 tan² डिवाइडेड बाय एलसीएम, यहाँ पे क्या था 1 - tan² का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, अब आप कैंसिलेशन कर सकते हो। कैसे, देखो ये है 1 - tan² की पावर 2, जबकि ये है 1 - tan² की पावर 1। एक ही बात है ना, पावर लगाओ ना लगाओ है तो पावर 1 ना। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, जस्ट 1 - tan² बच जाएगा, पहली चीज। हाँ अभी फिलहाल ये कैंसिल हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जरा इसको गौर से समझो। आप ये समझ लो कि ऊपर जस्ट क्या मौजूद है, ऊपर आपके पास मौजूद है 4 tan θ। न्यूमिनेटर में तो आपका सब कैंसिल हो गया ना, मतलब ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, तो न्यूमिनेटर में तो 4 tan θ मौजूद है, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास एक फ्रैक्शन मौजूद है जिसका ये न्यूमिरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। कंसीडर कर लो अगर आपके पास ये सिचुएशन होती तो आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। आप जो बिल्कुल डिनोमिनेटर 3 है इसको जाके मल्टीप्लाई करवा देते 4 tan θ से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये 3 मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई होता है ऊपर जाके किससे, 4 tan θ से, और 2 जो है ये आप इस तरह लिख देते नीचे, सेम काम ही करना है आपने। ये पूरी चीज जो है 1 - tan² ये जाएगी जाके मल्टीप्लाई होगी 4 tangent से, तो ये जाएगा 4 tan θ मल्टीप्लाई होगा 1 - tan²θ। सेम अब नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है 1 - tan²θ अपॉन 2 - 4 tan²। अभी तक आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली, अब देखो क्या आपका आंसर आ रहा है। देखो ये चीज तो मैच कर रही है, न्यूमिनेटर तो पूरा मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर में आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। वो जब आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपका मकसद अचीव हो जाएगा। जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं सामने ही कर रहा हूँ, तो आप लोग ने सब काम नीचे ही करना है। तो न्यूमिनेटर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, न्यूमिनेटर आपका पक्का आ गया। तो न्यूमिनेटर में एज लिख देता हूँ 4 tan θ 1 - tan²। डिनोमिनेटर में क्या करना है, इस पर आप फॉर्मूला ओपन करो a - b होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 - 2ab, 2ab यहाँ पे हो जाएगा 2 tan²,
और फिर बी स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर होगा जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये हो जाएगा टेंजेंट 4, ठीक है। और अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप बेशक डायरेक्ट ना करना, जब आप इसको ओपन करोगे ना तो तीन टर्म आएंगे, कौन सी टर्म? 1 -2 टेंजेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट 4, जो मैंने वहां पे लिखा था, 1 -2 टेंजेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट 4, ये तीन टर्म आएंगी, और चौथी टर्म ये मौजूद है -4 टेंजेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो -2 टेंजेंट स्क्वायर होगा ना वो इस -4 टेंजेंट स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -6 टेंजेंट स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे -6 टेंजेंट स्क्वायर लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को बात नहीं समझ आई तो आप पहले स्टेप में इन तीनों टर्म को ब्रेक करना, मतलब फॉर्मूला ओपन करना, नेक्स्ट स्टेप में जब आप इन तीन टर्म और इस चौथी टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज आ रही होगी, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब आप देखो ऑर्डर में लिखना है बस, बाकी तो आ गया, बल्कि ऐसी रहने दो, वही चीज है ना, आपके पास टेंजेंट 4 आ रहा है, फिर -6 टेंजेंट स्क्वायर है, फिर +1 है, ऑर्डर चेंज है तो वही डिनोमिनेटर ना, तो दैट्स इट, आपका काम मुकम्मल हो गया, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो यहाँ पे बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। इस तरीके से, थोड़ा मुश्किल सवाल था लेकिन आपने इस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है। अकॉर्डिंग सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को शायद फ्रैक्शन की वजह से मुश्किल लग जाए। टेंजेंट थीटा अपॉन 2 प्लस कॉट थीटा अपॉन 2, नीचे हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन 2 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 2। यार मैं इसके प्रॉपर स्टेप्स नहीं बना रहा, बस मैं आप लोगों को सवाल प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिख लेना कि राइट हैंड साइड को आपने पिक करना है, राइट हैंड साइड को आपने क्या करना है। ये जो टेंजेंट थीटा अपॉन 2 है ना, इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, डिनोमिनेटर में अगेन कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, माइनस टेंजेंट को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। कोई खास बात नहीं है, बस यही फालतू सा लंबा सवाल है। न्यूमिनेटर में आपका एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम आएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आपका एलसीएम आ गया। जब आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हो ना तो न्यूमिनेटर में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दरमियान में पॉजिटिव, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अगेन ये बात आपको उस वक्त समझ आएगी जब आपको इसको सॉल्व करना आता होगा। अगर आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है तो फिर आपको इसमें मसला नहीं होगा। इन फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? 4 और 5 का एलसीएम आप किस तरह लोगे? मल्टीप्लाई करके लोगे। हर दफा एलसीएम मल्टीप्लाई करके नहीं लेते हैं, अब एलसीएम लेना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन इन वालों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है 20 तक, तो 20 इनका एलसीएम है जो कि मल्टीप्लाई कर कर आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर क्या होगा? 5 को 3 से करो 15, 4 को 4 से करो 16। तो अगर ये बात पता होगी तो ये आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। बहरहाल आप डिनोमिनेटर पे आ जाओ, अगेन डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम ही रहेगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, वही कॉस को मल्टीप्लाई करो इस कॉस से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दरमियान में नेगेटिव, ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, ये बचा न्यूमिनेटर, ये बचा डिनोमिनेटर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखो एंगल यहाँ पे कुछ भी हो जाए, एंगल पहली बार सेम होना चाहिए, तो देखो एंगल सेम है, अब कुछ भी हो जाए, थीटा अपॉन 2 हो, थीटा अपॉन 3 हो, थीटा अपॉन 50 हो, हमें से कोई कंसर्न नहीं है, एंगल सेम होना चाहिए और आपका पैटर्न क्या होना चाहिए? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये पूरी चीज हमेशा क्या होगी? 1 के बराबर। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो ये वही डबल एंगल फॉर्मूला कॉस का, अगर आप लोगों को याद हो कॉस का ये डबल एंगल फॉर्मूला था, पहला जो फॉर्मूला था ये था। डबल क्यों बोल रहे थे? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है उसका डबल यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे थीटा अपॉन 2 कर दूं तो थीटा अपॉन 2 का डबल क्या होता है? थीटा होता है। इसका मतलब कॉस थीटा का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये पूरी चीज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं कॉस लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो ये पूरी चीज 1 हो गई, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये कैसे 1 हुई, ये कैसे कॉस हुई? ये आपने लगाई डबल एंगल कॉस का फॉर्मूला। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक के बराबर, जो कि आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता था, ये भी हमने देख लिया। और कोई है? बाकी बहुत ही बच्चों वाले सवाल है यार, ये बिल्कुल वही सवाल है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो 15 जो है ये तो आप लोग ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। न्यूमिरेटर बन रहा होगा sec 3 अल्फा माइनस अल्फा, मतलब sec 2 अल्फा बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर।
तो सेक नहीं, साइन, साइन टू अल्फा बनेगा न्यूमरेटर, तो साइन टू अल्फा पे फॉर्मा लगाना, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, जस्ट टू बचेगा। तो ट्राई करना है एज इट इज, क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पे आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह कर रहे हैं, लेकिन उसमें चलो मैं करवा देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को। चलो साइन 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। अच्छा इनको आपस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न आप खुद ही देख लोगे। यहाँ पे नॉर्मली साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा होता है। कैसे? आपने एलसीएम लिया इनको मल्टीप्लाई करके, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को इधर से मल्टीप्लाई करो तो साइन 4 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो कॉस 4 थीटा साइन 2 थीटा। तो अगर आप देखो ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा यहाँ पे है 4 थीटा, बीटा यहाँ पे है 2 थीटा। आप इसको ओपन करना, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाना, एज इट इज ये पूरा न्यूमरेटर आ रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर है वो तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा है। तो न्यूमरेटर को जब सॉल्व करोगे 4 थीटा माइनस 2 थीटा, ये सिंपल 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा होगा साइन 2 थीटा, ऊपर वाला साइन 2 थीटा नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट बचेगा 1 अपॉन cos 2 थीटा जो के बराबर होगा sec 2 थीटा के। हाँ ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो 16 क्वेश्चन बच्चों आपके हो गए, मुश्किल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, तो हमने काफी मुश्किल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, जब वो हमने कर लिए तो इनकी क्या मतलब औकात है, ये भी हो जाएंगे आसानी से। 17 करवा देता हूँ, 17 का पार्ट 1, पार्ट 2 आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या करना है। अब लिखा हुआ इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसके आगे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ विदाउट कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ सकता है ये, तो विदाउट कैलकुलेटर पेपर में अगर आएगा तो ये लिखा जाएगा इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का मतलब डायरेक्ट टेंजेंट 22/5 का आंसर नहीं लिख सकते, आपको स्टेप्स बताने हैं कि विदाउट कैलकुलेटर मैं किस तरह सॉल्व करूंगा इसको, तो असल ये सवाल है, तब मजा आएगा, वरना तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ सकता है। शुरू में जब ये बैच स्टार्ट हुआ था ना, आई गेस दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, हाँ दिसंबर में शायद स्टार्ट हुआ था ये, तो उसमें 3-4 बच्चे मेरी क्लास लिया करते थे, तो मुझे दुख होता था। मैंने कहा यार मैं इतनी अच्छी मैथ पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा दिल चाहता है बच्चों को मैथ सिखाऊं, और 3-4 हैं लेकिन कभी 2 आया करते थे, यही शुरू के 4-5 बच्चे ही थे वो। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली, माशाल्लाह अब स्टूडेंट हैं 10 के करीब स्टूडेंट हैं, अभी 8 क्लास ले रहे हैं। तो जब स्टूडेंट ज्यादा होते हैं ना तो आपको मजा ही आता है कि यार चलो मैं आज उनको सही तरह मैथ सिखाता हूँ, अगर 2 होते हैं तो आपकी मोटिवेशन काफी नीचे हो जाती है, यार क्या यार अब 2 बच्चों को मैं सिखाऊं। तो खैर अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली है मेरी, आ जाओ भाई इसके ऊपर। वैसे अगर आपने चैप्टर नंबर 10, 10.1, 10.2 के अंदर ऐसी कोई टेक्निक नहीं पढ़ी थी जिसके तहत आप विदाउट कैलकुलेटर 22.5 की वैल्यू निकाल लो, चाहे इसके साथ टेंजेंट आ जाए, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, 22.5 में आपने कोई टेक्निक फिलहाल नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब आ गए आप लोग 10.3 के अंदर, अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निक पढ़ ली है इसकी। वो टेक्निक क्या कहती है? सबसे पहले उस टेक्निक के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस चीज का फॉर्मूला? टेंजेंट के हाफ एंगल का फॉर्मूला। टेंजेंट का हाफ एंगल का फॉर्मूला 3 होते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ये वाला यूज करना चाह रहा हूँ। इसके 2 और फॉर्मूले हैं, कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर लो सेम ही आपके पास नतीजा आएगा, या रूट वाला यूज नहीं करते, या रूट को हटाना पड़ जाएगा हमें, रूट वाला चलो नहीं करते, बाकी 2 यूज कर लेते हैं ना, फिर रूट आ जाएंगे ना, रूट को हटाने के लिए वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड वाली फॉरी करनी पड़ेगी हमें। तो टेंजेंट थीटा अपॉन 2 के जो बाकी 2 फॉर्मूले वो लगाता हूँ, टेंजेंट थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो वो लगा देता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अच्छा जी मर्जी आप वो भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, एंड पे रूट आएगा दैट्स इट, रूट को ऐसे भी छोड़ दो कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा तरीका ये कि पूरा आपका सिंप्लीफाई होना सवाल, या रूट वाला आंसर डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करके आपको दे देगा, तो वो ऐसा मसला नहीं है उसका। असल चीज है कि आपने सॉल्व किस तरह करना है, ये स्टेप्स के नंबर है कि आपने इससे एंड पे जाते कैसे हो। तो भाई अगर आप 22.5 को देखो ना तो आपके खुद ही जहन में आ रहा है इसका डबल क्या होगा, क्या डबल होता है भाई 22.5 का? हाँ भाई 45 होता है। तो ये जो टेंजेंट 22.5 है ना, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, टेंजेंट 45/2, एक ही बात है भाई, 22.5 डिग्री लिखो या टेंजेंट 45/2 लिखो, एक ही बात है।
जब मैं इस तरह लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे पता है ये टेंजेंट का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पे थीटा आ रहा है वो यहाँ पे भी थीटा आएगा, वो यहाँ पे भी थीटा आएगा। सही है, तो जब मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब मेरा यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे मेरा थीटा है 45 डिग्री। जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे भी साइन 45 डिग्री आ जाएगा, नीचे भी 1 + cos 45 डिग्री आ जाएगा। और चाहो तो मेंशन कर देना कि सिंस थीटा जो है वो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है। तो जैसे आपने इसको इस हाफ एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आप इसको फॉर्मा लगा के आसानी से निकाल सकते हो। साइन 45 क्या होता है भाई, कैलकुलेटर यूज करना, 1/√2 आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज करोगे तो √2/2 आ जाएगा। चलो वही वाली वैल्यू कर लेते हैं। अब अगेन बुक से मैच नहीं करना आपने भाई, ये नहीं देखना बुक में क्या आंसर आ रहा है, बस जितना सिंप्लीफाई आ रहा है उतना करना है। तो अगर कैलकुलेटर से निकालोगे तो √2/2 आ रहा होगा, इसी तरह cos 45 भी √2/2 आएगा। अच्छा इसके बाद क्या करोगे, √2/2 ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, उसको रहने दो। नीचे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, इस 2 को 1 के अंदर ऐड करो, सॉरी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो √2 के अंदर, ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, अब इस वाले 2 से 2 कैंसिल, आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होगा √2/2 + √2। ये आपके पास वैल्यू होगी टेंजेंट 22.5 डिग्री की। किसी भी मेथड से कर लो, अगर आप कोई और फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे रूट आ रहा होगा, √2, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है वहां पे। √2 को डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख देना और आंसर निकाल लेना। जो कैलकुलेटर अगर फ्रैक्शन में दे रहा है कैलकुलेटर तो सही है, पॉइंट में ना लिखना क्योंकि राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर कैलकुलेटर फ्रैक्शन में नहीं दे रहा, आप ऐसे ही रहने देना, रूट के अंदर ही रहने देना, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। बाय द वे आएगा नहीं है, लेकिन अगर आया तो 1 या 2 नंबर के अंदर आ जाएगा, हार्डली है। इस तरह भी आप रख सकते हो, मजीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप ये पूरी चीज कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेटर इसको रैशनलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कैलकुलेटर का एल्गोरिथम मैथ के रूल्स को फॉलो करता है कि डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। जो कैलकुलेटर में आप जब √2 पुट करोगे ना, √2/√2, तो कैलकुलेटर देखो ये आंसर दे रहा है, -1 + √2, ये आंसर है। तो आप इस चीज के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और अगर आप वो √2 वाली चीज कैलकुलेटर में लिखोगे, आई गेस कैलकुलेटर इसी टाइप का आंसर दे देगा। कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, एट द एंड आप इसी आंसर पे पहुंचोगे, ये तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। सही है, जो पार्ट नंबर 2 है ना, अगर आप उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 15 डिग्री। तो आप लोग बेहतर जानते हो cos 15 किसके बराबर हो सकता है, cos 30/2। और ये लिखने से अब आप अलाउ हो गए हो, मतलब आपको अलाउ है ये कि आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो cos 30/2 का। क्या फॉर्मूला होता है, 1 + cos 30/2 का √2। तो एग्जैक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना तो ये क्या हो जाएगा, √1 + cos 30 डिग्री/2। फिर 1 cos 30 क्या होता है यहाँ पे बच्चों, √3/2 होता है, /2। सॉल्व करना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 + √3, जो एलसीएम वाला 2 है वो उससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ये चीज आ रही होगी। मजीद सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हो, 4 का √2 होता है ना, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पॉइंट में नहीं लिखना वरना राउंड ऑफ करना पड़ जाएगा, तो वो एक्चुअल नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेट बन जाएगा पूरा। अच्छा, ये 3 एक ही किस्म के क्वेश्चन है, इसमें 19 कंडीशन मुश्किल है, बाकी 20, 21 जैसे ही है, सॉरी 18 जो है, 18 थोड़ा मुश्किल है, वो मैं करवाता हूँ, बाकी 19 है करवा दूंगा, 20 आप लोग कर लोगे आसानी से। 18 में कंडीशन क्या लिखी हुई है, जरा कंडीशन को मेंशन करते हैं। कंडीशन गिवन है कि अगर कॉस थीटा जो है वो -4/5 है, के बारे में आपको बताया हुआ है कि थीटा जो है वो π/2 और पाई के दरमियान है, तो आपको बाकी वैल्यूज निकालनी है। ये π/2 क्या होता है, 90 डिग्रीज, और पाई क्या होता है, 180 डिग्रीज। कहने का मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के दरमियान है, सिंपल लैंग्वेज में सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है। ये आपको बस पता करना है कि थीटा आपका यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आपका 90 और 180 के दरमियान होता है, और ये आपको दिखने में भी लग रहा है कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। थीटा की बात हो रही है, सिर्फ थीटा की, θ/2 या 2θ उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ थीटा की बात हो रही है कि वो जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे 170, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, 170 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 85, 85 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, जैसे ही आपका एंगल 180 से कम कम रहेगा ना, जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ थीटा की बात हो रही है, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो θ/2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये बात हमें कहाँ फायदेमंद देगी, देखते हैं अभी।
पार्ट नंबर वन में लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन टू की वैल्यू निकालो, पार्ट नंबर टू में बोला हुआ कॉस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा, फिर इनके डबल डबल एंगल हैं। तो मैं पहले आपको, चलो बेसिक सी बात करते हैं, साइन थीटा अपॉन टू की वैल्यू निकालते हैं कि साइन थीटा अपॉन टू आपको चाहिए। भाई साइन थीटा अपॉन टू का जो हाफ एंगल फॉर्मूला जो है, अगर आपको याद हो, वो स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टू होता है। तो आपके पास कॉस थीटा डायरेक्ट मौजूद है, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे कि सिंस मेंशन कर दो कि साइन थीटा अपॉन टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा अपॉन टू, सही होता है ना। तो यहां पे अगर आपको साइन थीटा अपॉन टू निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, कॉस थीटा की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, -4/5। तो ये जो पूरा साइन थीटा अपॉन टू का फॉर्मूला है, इसमें कॉस थीटा की आपने वैल्यू पुट कर दी जो कि -4/5 है। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1+4/5। तो सॉल्व करो, 5 1 5, 5+4 क्या होता है, 9, डिनोमिनेटर में है 9/5 और डिनोमिनेटर में है 2। सिंप्लीफाई करो, ये 5 2 से मल्टीप्लाई के 9/10 हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। या मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9 का रूट जो है वो 3 होता है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा अपॉन टू की। इसको भी आप रैशनलाइज कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी आप कर सकते हो चाहो तो। इस तरीके से आप साइन थीटा अपॉन टू निकालोगे। अच्छा फिर एक और है, वो लिखा हुआ है पार्ट नंबर टू में, कॉस थीटा अपॉन टू, भाई आसानी से निकाल सकते हो आप लोग, थीटा अपॉन टू निकालना कौन सी बड़ी बात है। कॉस थीटा अपॉन टू का फॉर्मूला होता है 1+cos θ। अगर आप देखो, ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले है ना, इनके साथ प्लस माइनस होता था जो मैंने कल बताया था, तो यहाँ पे हम क्या चूज कर रहे हैं, प्लस साइन चूज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, भाई थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थीटा अपॉन टू क्या होगा, मतलब ये थीटा अपॉन टू किसके अंदर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट के अंदर कॉस भी पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इनकी पॉजिटिव वाली वैल्यू ले रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं ले रहा, जस्ट पॉजिटिव ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर थ्री में क्या बोला हुआ है, थीटा अपॉन टू। देखो खाली अगर आपके पास ये कंडीशन दी जाती है और पेपर में आपको बोला जाता है कि टेंजेंट थीटा अपॉन टू निकालो, तो टेंजेंट थीटा अपॉन टू भी आप खाली निकाल सकते हो। जहन में एक और फॉर्मूला आ गया मेरे, वो ये है 1 -cos θ/1+cos θ। अगेन यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, आसानी से आप कर लोगे। इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपने पहली साइन थीटा अपॉन टू और कॉस थीटा अपॉन टू अगर पहले निकाल दिए, तो जस्ट आप उनको डिवाइड कर दो, मतलब इसको इस तरह भी निकाल सकते हो ना, साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। तो अगर आपने पेपर में, अगर ये तीनों पार्ट एक साथ आए और आपने साइन थीटा अपॉन टू निकाल लिया, कॉस थीटा अपॉन टू निकाल लिया, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। इसमें यूज करोगे, पुट करोगे, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। सही है। पार्ट नंबर फोर में क्या था, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ cos थीटा। अब मसला आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, भाई cos थीटा की वैल्यू तो आपको पता है, साइन थीटा आपको नहीं पता, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं पता। अब यहाँ पे आपके लिए करने के दो ऑप्शन है, बता देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है कि आप इस साइन थीटा की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करो, मतलब ये 2 और ये cos, ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, साइन थीटा पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो कि 2 sin θ/2 cos θ/2। लेकिन ये फॉर्मूला आप उस वक्त अप्लाई करोगे जब आपको साइन थीटा अपॉन टू और कॉस थीटा अपॉन टू पहले से पता हो। अब ऐसे बहुत कम चांस है कि पेपर में ये तीन पार्ट भी आएंगे, उसके साथ ये वाला भी आएगा, ऐसे बहुत कम चांस है। मे बी ऐसा हो कि आपको सवाल दिया जाए और डायरेक्ट बोला जाए कि साइन टू थीटा निकालो, तो इसका मतलब आपके पास साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू नहीं होगा। तो पहले आप इनको निकालोगे, उसके बाद फिर इसमें पुट करोगे, तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर आप दूसरा काम भी कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा काम क्या कर सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर बराबर है 1 - cos² के, ठीक है, तो अगर आप दोनों तरफ रूट ले लो, अब अगेन प्लस माइनस ही लगाओगे क्योंकि थीटा फर्स्ट में है, तो आंसर में पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर है √1 - cos² के। तो साइन थीटा के दो वैल्यूज हैं, या तो साइन थीटा को आप इस तरह लिख सकते हो, या साइन थीटा को आप इस तरह लिख सकते हो। फायदेमंद कौन सा है, फायदेमंद ये है क्योंकि कॉस थीटा की मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता है, गिवन थी, मैं आसानी से पुट कर सकता हूँ। तो जो फायदा है ना आपके, आपने वो देखना है। तरीके दोनों ठीक हैं, दोनों में आप करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको लंबा काम करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपने पहले ये नहीं निकाला होगा।
अगर तो पेपर में ये सवाल आ रहे हैं, पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री ये आ रहे हैं, तो फिर तो आप ये वाला यूज करना ना, इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है, ये वैल्यूज आई भी होंगी डायरेक्ट पुट करना आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में मैं क्या टेक्निक लगाऊंगा, ये वाली, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा क्योंकि सवाल में मुझे कॉस की वैल्यू पता है। तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, कॉस थीटा है -4/5, तो मुझे क्या करना है, -4/5 का स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई अगेन, ये क्या हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। इसको और इसको तो हम एक काम करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करोगे -4/5 से तो ये हो जाएगा -8/5, इनको तो हमने संभाल लिया। ये अंदर क्या है, -4/5 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो 16/25 आएगा, जब स्क्वायर करोगे तो इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा, 25 - 16 9, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 9/25। सबको पता है यहाँ पे 9 का रूट जो है वो होता है 3, 5 का रूट होता, सॉरी 25 का रूट होता है 5, सही है। अब फाइनलाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24/25 इस तरीके से, सही है। अच्छा, इस साइन थीटा निकालने का एक और तरीका भी है, अभी आप लोग शायद अगले क्वेश्चन में पढ़ोगे, वो ट्राइंगल बना के भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ट्राइंगल बनाओगे ट्राइंगल बनाते हुए शायद माइनस ना लगा दो, तो बेहतर है यहाँ पे अब ये वाला तरीका यूज कर लो, अच्छा तरीका है ये। लेकिन एक और तरीका भी, आप साइन की वैल्यूज अभी नेक्स्ट सवाल में देखोगे, उस सवालों में डिफरेंट काम कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ना, मैंने पहली क्लास में कहा था ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, आइडेंटिटीज ही इतनी है, तो ये उसी वक्त समझ आएगा जब आप लोग सही प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, बाकी पार्ट क्या थे, कॉस 2 थीटा, कोई मसला नहीं है, पार्ट नंबर 5 था ना, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा पे ये वाला फॉर्मा लगा देना, ठीक है। तो कॉस थीटा आपको पता है, पुट करना आपके पास आंसर आ जाएगा। और उसके बाद पार्ट 6 क्या है, 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा। अगर तो आप देखो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा आपको पता है, तो tangent 2 थीटा डायरेक्ट इस तरह आ जाएगा, sin 2 थीटा upon cos 2 थीटा, तो इस तरह भी आप निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको sin 2 थीटा और cos 2 थीटा पहले से पता हो, अगर नहीं भी पता हो तो आप खुद भी निकाल के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई और तरीका है इसका, बिल्कुल है, और नहीं है, क्योंकि टेंजेंट 2 थीटा का जो और फॉर्मूला है ना वो टेंजेंट की फॉर्म में, टेंजेंट में नहीं आपके पास होगा, तो बेहतर है आप इस चीज को इसी तरह निकालोगे। अब बिलफर्ज अगर पेपर में ये सवाल आता है ये, और डायरेक्ट आपको बोलते हैं कि टेंजेंट 2 थीटा निकालो, तो आप लिखना कि tangent 2 थीटा बराबर है sin 2 थीटा upon cos 2 थीटा, फिर आप क्या करना, sin 2 थीटा की वैल्यू निकालना, cos 2 थीटा की वैल्यू निकालना, जो आएगी उसको आपस में डिवाइड कर देना, tangent 2 थीटा की आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करना ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 तो बच्चों बहुत ईजी है, तो पहले 19 सीख लो, 20 आसानी से कर लोगे आप लोग। 19 में आपको बोला हुआ है कि साइन थीटा है upon 13, और आगे मेंशन किया हुआ है कि थीटा जो है वो 0 और π/2 के दरमियान है, मतलब 0 और 90 डिग्री के दरमियान है, सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो ना, अब कोई इशू हो ही नहीं सकता, आप कोई भी टेक्निक कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सारे फंक्शन ही पॉजिटिव हैं, कोई आपको ध्यान नहीं रखना कि किसको नेगेटिव करना है किसको पॉजिटिव करना है, लाइफ अभी काफी इजी होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और सेम वही सारे पार्ट हैं कि 3 हैं θ/2 के और 3 पार्ट हैं डबल एंगल के। तो इस सवाल में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पार्ट यहाँ पे क्या है, sin θ/2, अगेन sin θ/2 का फॉर्मूला क्या है, 1 - cos θ, लेकिन लाइफ आपके आसान नहीं है, कॉस थीटा आपको नहीं पता, यहाँ पे आपको साइन थीटा पता है, और जितने हाफ एंगल फॉर्मूले हैं उसमें साइन नहीं आता, कॉस आ रहा होता है हाफ एंगल फॉर्मूलों में, सिर्फ टेंजेंट के हाफ एंगल फॉर्मूले में आ रहा होता है, और साइन और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले में जस्ट कॉस आता है, और कॉस की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो अब कॉस की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, अगेन वही डिफरेंट मेथड है बच्चों, कॉस की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो कि कॉस थीटा बराबर है √1 - sin² के, साइन की वैल्यू पता है, पुट कर लो आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या एक और टेक्निक हम यूज करते हैं जो काफी काम की है, MCQs में बड़ा मजा आता है, फौरन आप आसानी से यूज कर लेते हो, वो टेक्निक आती है साइन से। तो आप यहाँ पे कंसीडर करो, सबसे पहले थीटा sin θ 12/13। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये सवाल आमतौर पे ना, जहां तक पहली दफा जब मैंने सवाल को सुना था ना, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था, पूछा नहीं था, आपस में वो लड़ रहे थे, लड़ नहीं रहे थे मतलब आर्गुमेंट कर रहे थे, तो
उस वक्त मेरा YouTube चैनल बन गया था, वो थोड़ा समझते थे कि इसको मैथ आती है अच्छी, थर्ड ईयर की शायद बात है यूनिवर्सिटी में। तो ये सवाल पूछा था उन्होंने, सवाल ये था कि उन्होंने बोला था कि साइन थीटा बराबर है 4/5 के। सवाल ये था कि क्या इस वैल्यू से आप राइट एंगल ट्राइंगल को मालूम कर सकते हो कि किस राइट एंगल ट्राइंगल में आपने साइन थीटा निकाला होगा तो ये आया होगा, वो एक्चुअल राइट एंगल ट्राइंगल मालूम हो सकता है, आपने साइन लगा के ये आंसर निकाला होगा, ये सवाल था सर। तो इसका जवाब ये कि एक्चुअल राइट एंगल ट्राइंगल आप मालूम नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो अगर एक्चुअल राइट एंगल ट्राइंगल ये था, बेस की फिलहाल हम बात नहीं करते, बेस कुछ ना कुछ रख लेंगे बाद में। अच्छा एक और ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, थोड़ा कंसिडर कर लो, एक और एक कंसीडर करते हैं, अगर आप इन सब राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है वो 8 यूनिट है, हाइपोटेन्यूज 10 यूनिट है, इसमें 6 यूनिट है, इसमें 7.5 है, इसमें परपेंडिकुलर 20 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 यूनिट है। मजे की बात ये, इन तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दिखने में आपको वैसे बड़ी फालतू डायग्राम बनी ऐसा होना नहीं चाहिए, सबके एंगल सेम होने चाहिए, लेकिन मैंने एंगल डिफरेंट बनाए हुए, अजीब डायग्राम खराब है, लेकिन सब में अगर आप ऑब्जर्व करो ये बात, सब में अगर आप साइन की वैल्यू निकालोगे तो वो 4/5 होगी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 8/10 क्या है, 4/5, इसी तरह ये हो जाएगा 6/7.5, इसको भी सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर में 4/5 आएगा, इसी तरह ये क्या हो जाएगा 20/25, इसको भी सॉल्व करना ये भी 4/5। तो कहने का मकसद क्या है, अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू लिखी हुई है ना तो आप एक्चुअल ट्राइंगल नहीं मालूम कर सकते। आमतौर पर बच्चे समझते हैं एक्चुअल राइट एंगल ट्राइंगल ये था कि परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज से बेस हम निकाल लेंगे कुछ, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल में भी ये हो है, एक्चुअल ये हो, मे भी एक्चुअल ये हो कि जिसको हमने सॉल्व करके साइन की वैल्यू निकाली हो, क्योंकि जो फ्रैक्शन होती है उसको आप रेशियो कहते हो, रेशियो को हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा 8/10 लिखा हुआ है, आप इसको 4/5 कर देते हो, सिंप्लीफाई कर देते हो, तो आपको नहीं पता एक्चुअल में वो ऐसा कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल था जिसपे आपने साइन की वैल्यू निकाली है और वो 4/5 आ रही है, डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं, तो आप एक्चुअल मालूम नहीं कर सकते। और हम एक्चुअल मालूम करने में इंटरेस्ट भी नहीं होता, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक्चुअल क्या होगा, ठीक है, क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें असल में चाहिए होती है साइन कॉस टेंजेंट की वैल्यू, साइन कॉस टेंजेंट की वैल्यू सब राइट ट्राइंगल में सेम ही है, आप लोगों को यकीन करवाता हूं मैं, आप इन किसी भी ट्राइंगल में साइन कॉस टेंजेंट निकालो सब में सेम ही आएगा, डिफरेंट हो ही नहीं सकता। अब जरा उस पर आते हैं, सबसे पहले बेस निकालते हैं, बेस कैसे निकालते हो, जब आपको राइट ट्रायंगल की दो साइड पता हो ना, तीसरी साइड आप आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आपने बेस का स्क्वायर करना है, निकालना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को उधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आप स्क्वायर रूट लोगे तब बेस आएगी। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और आप क्या करोगे रूट लोगे तो आपके पास बेस आएगी, तो 100 - 64 36 होता है, 36 का रूट 6 बेस 6 आ गया। यहाँ पे भी यही काम करना, 7.5 वैसे 15/2 होता है, हम इस तरह लिख देते हैं, अगेन वही काम करो 15/2 का स्क्वायर करो ये हो जाएगा 225/4, इसका स्क्वायर करो ये हो जाएगा 36, 4 को 36 से करोगे 144, 144 में से अगर आप 225 निकालोगे तो क्या आना चाहिए, इतनी अच्छी मैथ नहीं है मेरी, 225 - 144 81 आ रहा है, तो 81/4, 81/4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे बेस आ गई। यहाँ पे भी निकालते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 का स्क्वायर होगा 400, ये हो जाएगा 225, रूट लोगे 15 आ जाएगा, इसी तरह 25 का स्क्वायर 25, इसका 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 का रूट 3 होता है, सब केसेस में आपने बेस निकाल ली। अब जरा जादू देखना, आप इसमें से कोई भी राइट ट्रायंगल ले लो, किसी में भी कॉस निकाल लो, सबका आंसर सेम होगा, फॉर एग्जाम्पल कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस है 6, हाइपोटन्यूज है 10, 6/10 क्या होता है 3/5, इसको जरा लेते हैं, अगेन बेस क्या है यहाँ पे 9/2, हाइपोटन्यूज क्या है 15/2, 2 से 2 कैंसिल, 9/15 को 3 से कैंसिल करो 3/5, अगेन यहाँ पे लो बेस है 15, हाइपोटन्यूज है 25, 5 से कैंसिल करो 3/5, अगेन यहाँ पे लो, यहाँ तो ऑलरेडी 3/5 है,
मैंने पहले दिन ही आपको क्लियर किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करते हैं थीटा क्या है। इन सब में थीटा सेम है, इसमें भी थीटा सेम, इसमें भी थीटा सेम, इसमें भी थीटा सेम, इसमें भी, देखने में शायद आपको ना लगे, थीटा सब में सेम है। जब तक थीटा सेम रहेगा आप राइट ट्रायंगल जितना भी बड़ा कर रहे हैं आप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन वैल्यूज पे, वैल्यू सब सेम रहेंगी। ये आपका एक राइट एंगल है, ये आपका थीटा है, आप इस वाली साइड को एक्सटेंड करो, इसको इधर एक्सटेंड करो, ये देखो एक बड़ा राइट एंगल आ गया, मजीद एक्सटेंड करो, इसको इधर करो, ये एक बड़ा आ गया। करते रहो सब में, रेशो आपके पास सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे गेम ही असल रेशो का है। तो दैट्स वाई हम एक मेथड यूज करते हैं कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, उस राइट ट्राइंगल में से हम बाकी कॉस टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। और कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मैं अगर ये राइट ट्राइंगल बना रहा हूँ और आपके जहन में ये आ रहा है, तो हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों सेम ही है क्योंकि हम दोनों में रेशो सेम ही रहेगा। तो आपने कोई भी बनाना राइट ट्राइंगल आप बना लो, रेशो सब में सेम ही रहेगा, ये बताने का मकसद था। तो अगर आपके पास एक साइन की वैल्यू मौजूद है तो कॉस टेंजेंट आप आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, आसानी से आपके पास कॉस टेंजेंट हर चीज आ जाएगी। तो उस दोस्त को मैंने ये जवाब दिया था भाई कि अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू लिखी हुई है तो आप एक्चुअल ट्राइंगल मालूम नहीं कर सकते। एक्चुअल ट्राइंगल में जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 5 हो, ये सिचुएशन भी सारी बन सकती है, एक्चुअल आपके पास आ ही नहीं सकता और ना हम इसमें इंटरेस्ट होते हैं। हम इंटरेस्टेड है कि भाई हमें साइन अगर पता है तो हमें कॉस टेंजेंट पता चल जाए, वो पता चल जाता है, हम हंसी खुशी खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने साथ हिस्ट्री भी आप लोगों को बता दी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूँ। अगर किसी को बात नहीं समझ आई होगी तो मैं रिज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं की, बेसिक से मैट्रिक में स्टार्ट की थी। अब डिपेंड करता है मैट्रिक में किसने आप लोगों को पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, बेसिक तो वहीं आप लोगों को आनी चाहिए थी। सही, मैंने कोशिश की लेकिन अगेन इतना टाइम नहीं होता। खैर अब ये साइन थीटा आ गया ना, मुझे यहाँ पे कॉस निकालना था तो मैं आसानी से कॉस निकाल सकता हूँ। कैसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, बेस आसानी से निकाल सकते हो, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 ये 25 होगा, 25 का रूट 5 होता है। तो सिंपल यहाँ से आपके पास, अगर चाहो तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा दो, आप उनको दिखा दो कि भाई फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट के परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, फिर हो जाएगा 169, 144, नेक्स्ट स्टेप में आप बोल देना बेस 25 है, सॉरी बेस 5 के बराबर है। तो वो चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर ट्राइंगल आपके पास आ गया, यहाँ से आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे आपके पास कॉस थीटा आ जाए बच्चों, यहाँ पे पुट करना, कैलकुलेशन कर लेना, कौन सी बड़ी बात है कैलकुलेशन करना, असल मेरा काम था आपको वैल्यू निकाल के देना। पार्ट नंबर 2 में है कॉस थीटा अपॉन 2, इसका फॉर्मूला होता है 1 + कॉस थीटा अपॉन 2। अगेन कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी किस तरह निकालना है, तो आप लोगों के सवाल को ऐसा मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 3 में है टेंजेंट थीटा अपॉन 2, डिफरेंट फॉर्मूले हैं, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, रूट नहीं है इसके अंदर। तो साइन थीटा तो ऑलरेडी आपको सवाल में गिवन है, कॉस थीटा जो है अगेन वही मेथड है, निकाल लेना आसानी से। पार्ट नंबर 4 है साइन 2 थीटा, अगेन साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin θ cos थीटा, साइन थीटा गिवन था, कॉस थीटा आप राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हो। फिर है कॉस 2 थीटा, अगेन ये होता है 2 cos² θ माइनस 1, कॉस थीटा आ सकता है, बस वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करना है, सिंप्लीफाई करना है, इतनी तो आप लोगों को मैथ आती होगी। टेंजेंट 2 थीटा डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हो, साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हो, या यहाँ पे टेंजेंट का ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 2 tan θ 1 - tan² और टेंजेंट किस तरह आएगा, टेंजेंट यहाँ पे निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करो कि टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस, साइन गिवन है, अच्छा डायरेक्ट टेंजेंट भी आ सकता है, सॉरी डायरेक्ट टेंजेंट भी निकाल सकते हो ना, कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपने बना लिया है तो टेंजेंट निकाल सकते हो डायरेक्ट। टेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, टेंजेंट आ गया, यहाँ पे पुट करना है इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो जब अब देखो यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, अगर थीटा फर्स्ट के अंदर नहीं होता, सेकंड के अंदर होता, फिर अब आपको ध्यान रखना पड़ता, क्यों, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता बिल फर्स्ट, तो कंफ्यूजन कहाँ पे होती, कंफ्यूजन ये होती कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती, क्योंकि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, अब ये राइट ट्रायंगल तो आपको नेगेटिव नहीं देगा क्योंकि राइट ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो सब पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको पता है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप अपने तरफ नेगेटिव लगाओगे यहाँ पे, सही है, तो ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे भी आप पुट करोगे, और यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो टेंजेंट भी नेगेटिव आएगा,
टेंशन नेगेटिव नहीं आएगा। खैर यहाँ पे जब पुट करोगे तो आंसर आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा, पुट करके देख लेना, आंसर नेगेटिव नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर जस्ट आपको शक वो लगा दें कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो बस अब फर्क यह है कि कॉस के साथ आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, इसी तरह टेंजेंट के साथ भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने आप लोगों को उस मुसीबत में डाला नहीं है। मैंने बोला है कि इनको डिफरेंट अंदाज में आप सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब आपके पास चॉइस है, आप इस तरह कर लो, पहले वाले मेथड कर लो, जिस तरह करना है आप कर लो, सही है। और आखिरी वाला सवाल ही बच्चों इसी तरह आप लोगों ने करना है। अगेन उसमें कॉस की वैल्यू आपको गिवन है और बोला हुआ है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, कॉस गिवन है आपको और यही कॉस गिवन है 3/5। जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे ना इसमें, तो बेस यहाँ पे क्या है, 3, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो परपेंडिकुलर देखना 4 आ रहा होगा। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 3, sin 3 थीटा, tangent 3 थीटा। अगर आप sin 3 थीटा का फॉर्मूला देखो, साइन आ रहा है, मतलब sin 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा, मतलब आपको साइन पता होना चाहिए। तो साइन आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हो 4/5। तो जैसे ही आपके पास sin थीटा आ गया, तो sin 3 थीटा के फॉर्मूले में पुट करना आ जाएगा। इसी तरह cos 3 थीटा के फॉर्मूले में cos आता है, cos तो ऑलरेडी सवाल में गिवन था, वो भी हो गया। tangent 3 थीटा के फॉर्मूले में टेंजेंट आता है, तो टेंजेंट आप निकाल सकते हो। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, तो पुट करना tangent 3 थीटा भी आ जाएगा। ये असल में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। तो 10.3 हमारी कंप्लीट।